जगह की मैं बात कर रही हूँ, ये जगह है आपको कर्जत में आता है सारा, आपको एक एक डिटेल मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप 4 से 5 घंटा क्या 10 घंटा भी इस जगह पे बहुत आराम से अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ आ रही हूँ, जो वो लोग स्विमिंग कर रहे थे। वेलकम टू माई चैनल लवली प्रियंका, और मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लवली प्रियंका में, जहाँ मैं बातें करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। बट आज मैं आप लोगों के साथ ट्रैवल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। यस, कैमरे की ग्राफिक सही है। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अनएक्सप्लोर्ड जगह पे। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, बट मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको पूरी अपडेट दूँगी, और मैं इतना श्योर बोलूँगी कि वो जगह बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, मानसून आ चुका है मुंबई में, और हर जगह वाटरफॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आगे हो गया है। कंटिन्यू कीजिएगा कि आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, और साथ में आपको आइडिया मिलने वाला है कि अगर मुंबई में आप अपनी फैमिली के साथ इक्का दुक्का पिकनिक स्पॉट पे जाना चाहते हैं जो कम्प्लीटली सेफ है इस टाइम पे, और अपनी फैमिली के साथ पूरा फुल टाइम मस्ती करने वाले हो, तो आपको इस ब्लॉग को कम्प्लीट देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो फटाक से पहले मैं अपनी कार में बैठ जाती हूँ, बाई कार हम जाएंगे, और चलो फिर चलते हैं। जय श्री गणेश। सो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे कि पूरे रास्ते आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खेत, पहाड़, पर्वत दिखाएंगे, और गाइस हर जगह आपको बस ग्रीनरी और ग्रीनरी दिखाई देगा। तो कर्जत एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे फार्म हाउस, रिजॉर्ट और कैंपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो गाइस सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको कर्जत जाना है। मैं जा रही हूँ नवी मुंबई से, मुझे पूरा जो समय लगा है वो 1 घंटा 17 मिनट लगा है। थोड़ा बहुत अगर आप रास्ता भटक जाते हैं या टोल या ट्रैफिक हो तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, बट एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो 1 घंटे 17 मिनट की ही है। और गाइज यहाँ पे आपको किसी भी कोने में आप रुक करके फोटोशूट, वीडियो वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कर्जत बहुत ही खूबसूरत है, और मानसून के टाइम में ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो वेल गाइज, मेरा जो पहले का प्लान था, हम लोग जाने वाले थे एक वाटरफॉल पे जो आता है आपको बाजी गांव में, और वहाँ पे क्या है अभी वो वाटरफॉल बंद था, तो हमें वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। फिर हम लोगों ने आपको कर्जत जाने का प्लान किया। दोनों जस्ट अपोजिट साइड है, हम कभी पहले गए थे जो वो पनवेल के रास्ते में गए थे, और अब हम जा रहे हैं कर्जत के रास्ते में जा रहे हैं। तो यहाँ पे रास्ते में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिली, मैं आपको बता दूँ, हम लोग अपराजिता फार्म यानी जो सलमान खान की सिस्टर का फार्म हाउस है, वहाँ उसके गेट पे से ही रास्ता जाता है उस वाटरफॉल का जो बंद पड़ा था, और पुलिस वालों ने हम लोगों से पूछने लगा कि आप यहाँ तक कैसे आए, सॉरी बहुत क्वारी, क्योंकि लॉकडाउन में हर जगह आना मुश्किल था। तो चलिए, हम लोगों ने अपना प्लान स्विच किया और अब हम जा रहे हैं वाटर स्ट्रीम और नदी किनारे, जब पहाड़ी नदियाँ जो होती है ना वहाँ लेकर के चलने वाली, जो कर्जत में है। और गाइस यहाँ पे बहुत रिलैक्स मोड में थी, क्योंकि हम लोग हमारा
थोड़ा जर्नी हेक्टिक हो गया था, तो मैं बस अपनी गाड़ी के पीछे बैठ के आराम से करने लगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेल गाइस, हम जा रहे हैं कर्जत। तो आपको जब भी आप कर्जत जाएंगे तो आपको NDS फिल्म सिटी रास्ते में जरूर मिलेगा। ये भी मोस्ट विजिटेड प्लेस है, बट अभी फिलहाल ये बंद है। लॉकडाउन जैसे ही कंप्लीट ओपन होगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा, तो मैं इसका टूर आप लोग से जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है कि मैम आप इस फिल्म सिटी का टूर कीजिए, तो वो मैं करूँगा। वेल गाइस, यहाँ पे हम पहुँच गए। तो चलिए इस जगह की मैं आपको बात बता दूँ। ये जगह है, इसे बोलते हैं हम, इस जगह को हम बोलते हैं कलंबोली तर्फ वाड़े। और गाइस ये कर्जत में आता है। कर्जत महाराष्ट्र का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ी नदी बहुत लंबी है और इसके साइड आपको बहुत सारे कैंपिंग रिजॉर्ट और पिकार्डली रिजॉर्ट है। और यहाँ पे हम लोगों ने सब, मैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड वगैरह थे, सब हमने बहुत मस्ती की। हम रास्ते से ही खाने पीने की चीज़ें ली। आप चाहे तो अपने घर से भी बना के लेके आ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम लोग कलंबोली तरफ वाड़े आए हैं, ये कर्जत में जगह। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मिसगाइड होते हो तो किसी भी लोकल लोगों से, या अगर उस जगह की जो नज़दीक में जो शॉपकीपर होते हैं उनसे पूछ लीजिए कि हमें यहाँ इस जगह जाना है, वो आपको बिल्कुल बता देंगे। ये यहाँ पे नदी के ऊपर ब्रिज बना है, बहुत ओल्ड ब्रिज है ये। किसी को क्रॉस करना है, पार्किंग के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेगी। आप कार बाइक कहीं भी पार्क कर सकते हो। और बस करना क्या, इस नदी में बस स्विमिंग करनी है, मज़ा करना है, पिकनिक करना है। सो गाइस, ये आपको मैं आपको गूगल मैप का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पहुंचने में आसानी हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं तो इसका लैंडमार्क आप डाल सकते हैं, रिवर गेट। ये इस जगह को रिवर गेट के नाम से, ये बहुत फेमस है। लोकल लोग आपको, जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे रिवर गेट जाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। रिवर गेट यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट भी है, साथ में पिकार्डली रिजॉर्ट है। बहुत सारे कैंपिंग आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोकेशन डालोगे गूगल पे तो आपको अगल बगल में बहुत सारे कैंपिंग रिजॉर्ट वगैरह मिल जाएगा। और गाइस ये बेस्ट शूटिंग प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, साथ ही साथ वेडिंग फ़ोटोशूट होता है। और मैं भी जब आई थी तो वहाँ पे वेडिंग का फ़ोटोशूट हो रहा, और देखिए मैं कितना रिलैक्स कर रही। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम रील के लिए भी वीडियो शूट कर रही हूँ। वेल गाइस, बहुत मज़ा आ रहा था और पानी की भी धार बहुत तेज थी, तो हम सब ने बहुत ज़्यादा नहाया यहाँ पे। और बस, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, स्पेशली ओल्ड सिटीजनशिप को भी, ओल्ड सीनियर सिटीजन को भी आप लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही सेफ है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है इस जगह पे, और आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और आप ये सामने देख रहे हो, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजॉर्ट है। इसका नाम रिवर वर्ल्ड ऐसे करके दिया गया है। और यहाँ पे ना फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी और वेडिंग फ़ोटोशूट भी चल रहा था। तो चलिए इसे, आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए और इस ब्लॉग के साथ बने रहिए। एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टा आईडी मैं अपने लिंक में डाल दूँगी। और ये सामने पुल है, इसी पुल पे आपको आके क्रॉस करना है और इस साइड आना है, और यहाँ से आप चल करके ऐसे आ सकते हैं।
सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद, इस पानी में वाटरफॉल में नहाने के बाद, हम लोग अब शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 5 बजने वाला था, तो यहाँ से हम निकल गए थे। अनगाइड, बिलीव करोगे आप, यहाँ पे लोग 5 से 6 बजे शाम को, इवनिंग को लोग आ ही रहे थे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए। आप सोच ही सकते कि जगह कितनी सेफ होगी। सो लोग 5 या 6 बजे शाम को यहाँ पे पिकनिक करने आ रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें बच्चे, बूढ़े, यंग कपल सब लोग थे। हमारी जर्नी ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड गाइस, इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट गाइड करूँगी। तो इस जगह को बोलते हैं कलम्बोली तरफवाड़े, और इसका लोकल नेम है रिवर गेट। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि करजत में मुझे रिवर गेट जाना है, या फिर आप गूगल मैप पर भी लोकेशन फीड करके इस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब प्रियंका के इस ब्लॉग को आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग के साथ, ऐसे ही नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए और महाराष्ट्र की खूबसूरती दिखाते हुए मैं प्रियंका आप लोग से इजाजत लेती हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।